आज हम आपको यूपीएससी पैटर्न के बारे में बताएंगे कि यूपीएससी का पैटर्न कैसा है। देखिए, ज्यादातर जब फॉर्म आता है तो बहुत से लोग, यानी कि लगभग आधे लोग, ऐसे ही फॉर्म सबमिट कर देते हैं। कोई कहता है सिविल का फॉर्म आया भाई, डालो डालो, लोगों ने एक तरफ फॉर्म डालना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोगों को उस एग्जाम के पूरी प्रक्रिया के बारे में नहीं पता है। अगर हमको उसकी एग्जाम की प्रक्रिया के बारे में पता हो तो हम उस एग्जाम को और भी बेहतर ढंग से निकाल सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम हमारे भारत देश का सबसे बड़ा एग्जाम है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो एग्जाम है यह क्या, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। यानी हम आज उसी यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बताएंगे कैसे हम सिविल सर्विस ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, यूपीएससी एग्जाम 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है प्रीलिम्स परीक्षा, दूसरा है मुख्य परीक्षा, और तीसरा है इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स एग्जाम है यह कह सकते हैं वो भीड़ छांटने का तरीका है, जहां पर 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख लोग बैठते हैं, जो फॉर्म भरते हैं। माना 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 5 लाख तो एग्जाम देने ही नहीं जाते। जो 5 लाख लोग एग्जाम देने जाते हैं उसको प्रीलिम्स छांट देता है। प्रीलिम्स में 2 एग्जाम होते हैं, फर्स्ट पेपर जीएस पेपर होता है एंड सेकेंड पेपर सी सेट होता है। सी सेट में 80 क्वेश्चन आएंगे, यानी प्रीलिम्स में जो हम पहला एग्जाम देंगे उसमें 2 पेपर आएंगे, जो सेकेंड पेपर होता है वो सी सेट कहलाता है। इसमें 80 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और ये जो 200 मार्क्स है और जो 80 क्वेश्चन है, इसका मतलब हो गया 2.5, यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। 33% अगर मार्क्स आपको आपको मिल जाते हैं, आप केवल 66 नंबर प्राप्त कर लेते हैं, आप केवल 27 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो आपका सी सेट सेकंड पेपर यानी कि क्वालिफाई हो जाता है। आप स्वयं सोचें, 80 क्वेश्चंस में से अगर आप 27 क्वेश्चन करीब सही कर लेते हैं तो आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई हो गया। अब जब ये क्वालिफाई हो गया तो ये चेक होगा जीएस पेपर। जीएस पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। यानी कि जो जीएस पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा, और आपका पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस पेपर से आपकी मेरिट बनेगी। अमूमन 12.5 से 15 गुना लड़के प्रीलिम्स में क्वालिफाई कराए जाते हैं मेंस के लिए। माना 800 वैकेंसी है तो 15×8 = 120, लगभग 10,000 से 12,000 लड़के इसको क्वालिफाई करेंगे। एक सूत्र बना लेते हैं कि लगभग 12.5% 12.5 गुना से लेकर 15 गुना के बीच में ये लड़के क्वालिफाई कराए जाते हैं मेंस एग्जाम के लिए। यानी प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, सेकंड पेपर सी सेट क्वालिफाइंग होगा, और फर्स्ट पेपर से आपकी मेरिट बनेगी, और इसी मेरिट वालों को मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा देनी होगी। मुख्य परीक्षा में देखिएगा, ऐसे पहले 2 पेपर इसमें भी क्वालिफाई होंगे, इसमें 2 पेपर क्वालिफाई होते हैं, पहला है इंग्लिश और दूसरी है लैंग्वेज। इंग्लिश में इंग्लिश के क्वेश्चन और लैंग्वेज में भाषा होगी, जैसे हमारी हिंदी भाषा। जो इंग्लिश होगी वो 300 नंबर की होगी, लैंग्वेज भी 300 नंबर की होगी, और मात्र 25% अगर आप नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। यानी कि इसमें 300 का 25% जो होता है वो होता है 75 नंबर।
अगर हम इसमें 75 नंबर और इसमें 75 नंबर यानी मुख्य परीक्षा के दो एग्जामों में अगर हम 75-75 केवल प्राप्त कर लें तो हम क्वालिफाई करके आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हमारे इसमें और पेपर। एक इसमें विषय वैकल्पिक होता है जो हम चुने, कोई हिस्ट्री चुनता है, कोई ज्योग्राफी चुनता है, कोई साइंस सब्जेक्ट चुनता है, कोई टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट चुनता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसका जो मन हो वो एक विषय चुन ले। जैसे किसी बंदे ने हिस्ट्री विषय को चुना तो उसके दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये 250 नंबर का और ये 250 नंबर का होगा। यानी इस 250 का पहला पेपर और 250 का दूसरा पेपर। इसके बाद एक पेपर आपका निबंध होगा, ये निबंध जो होगा वो भी 250 नंबर का होगा। फिर चार पेपर आपके जीएस के होंगे, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ। और ये जो चार पेपर जीएस के होंगे ये चारों 250, 250, 250 और 250 के ही होंगे। यानी कि आप एक बात समझ लें कि जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें दो पेपर होंगे इंग्लिश एंड लैंग्वेज, ये दोनों क्वालिफाइंग होंगे। यानी कि जो मेंस की मेरिट बनेगी वो वैकल्पिक के दो 250, 250 यानी 500 नंबर और एक निबंध, ये जीएस और चार, ये जो जीएस के हैं चार और ये निबंध पांच और दो ये सात, सात गुणे 250 तो ये हो जाता है 1750 नंबर का मेंस होता है। ये तो क्वालिफाइंग है, ये नहीं जोड़े जाते। तो आप एक निगाह में एक बात समझ लें, पांच पेपर ये और दो पेपर ये, सात पेपर से मेरिट बनती है। यानी मेंस के सात पेपर से मेरिट बनती है, जो ये क्वालिफाइंग है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसका मेरिट में कोई योगदान नहीं होता। तो जो मेरिट में योगदान है वो वैकल्पिक पेपरों का है। और यह आप समझ सकते हैं कि जो वैकल्पिक दो पेपर हैं ये दोनों 250 250 के होंगे, चार पेपर जीएस के और एक पेपर निबंध का होगा। इसके बाद जो लड़के क्वालिफाई करेंगे, इसका अच्छा पेपर देंगे, वो फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे और इंटरव्यू 275 नंबर का होगा। इंटरव्यू 275 नंबर का होगा। इस प्रकार 1750 की मुख्य परीक्षा, 275 का इंटरव्यू, कुल 2025 से आपकी मेरिट आकी जाएगी। जिस बच्चे के 2025 में मैक्सिमम होंगे, जो कट ऑफ के अंदर होगा, उसका चयन हो जाएगा। इस प्रकार हमने आज आपको यूपीएससी एग्जाम के बारे में बताया कि अगर सही तरीके से हम चुनिंदा चीजों को पढ़ते हुए सही तरीके से अध्ययन करेंगे तो हम इसको निश्चित तौर पर ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको निश्चित सही तरीके से नहीं पढ़ा, चाहे हम जितने घंटे पढ़ते रहे सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं, चुनिंदा पढ़कर हम कम समय में उसको सफलता पा सकते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।